नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। कन्नौज रिपोर्ट, धर्मेंद्र सिंह। कानपुर के अरौल में लूट करने वाले दो और दबोचे। सर्विलांस स्वाट व कोतवाली पुलिस ने जीटी रोड से किया गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाश शातिर करिया गिरोह के सदस्य। बदमाशों के पास से टाटा सफारी व असलहों सहित करीब 30 लाख के जेवर बरामद। 15 जून को अरौल के सर्राफा व्यापारी से की थी लाखों की लूट। पकड़े गए बदमाश बजरिया शेख खाना के राशिद और आमिर। 14 जून को अरौल कस्बा थाना बिल्होर में एक डकैती पड़ी थी, तो उससे संबंधित तीन अभियुक्तों को जो कि कन्नौज के निवासी थे, पहले हम लोगों ने अरेस्ट किया था। उनके पास से करीब 53 लाख की जो स्टोलन प्रॉपर्टी थी, लूट की संपत्ति, ज्वेलरी सोने और चांदी की, वो बरामद किया था, असलहे बरामद किए। उसके पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी और उस घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों के नाम भी पता चले थे, तो उस पर हमारी टीम काम कर रही थी। और लापरवाह सूचना मिलने के बाद कल दो अभियुक्त आमिर और राशिद, ये शेखाना कन्नौज के रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से 297 ग्राम स्वर्ण आभूषण और 19 किलो 747 ग्राम चांदी के आभूषण, एक टाटा सफारी कार, दो तमंचा, 315 बोर और दो कारतूस, ये बरामद हुआ है। इस टीम में हमारे प्रभारी निरीक्षक कन्नौज, चौकी इंचार्ज राहुल शर्मा, स्वाट प्रभारी और राकेश कुमार सिंह, और सर्विलांस प्रभारी शैलेंद्र, और उनकी जो टीम के सदस्य हैं ये लोग लगे हुए थे। और जो आज आभूषण मिले हैं तो उसकी कीमत लगभग 35 लाख के आसपास है, और इनसे जो पूछताछ हुई है उसके आधार पे जो थाना बिल्लौर कानपुर नगर की पुलिस है आगे की विवेचना करेगी, जिसको अभी हम लोग जेल रवाना करेंगे। सर, अभी तक पूरे इस मामले में लगभग कितने की रिकवरी हो चुकी है पूरी ओवरऑल? जो तीन अभियुक्त पकड़े गए थे उनकी रिकवरी थी 53 लाख के आसपास की, और इनके पास से 35 लाख की रिकवरी हुई है। ये जो है, जो आज दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, तो इनसे पूरी रिकवरी हम लोग नहीं कर पाए। इन्होंने क्या किया है कि उस रिकवरी का एक हिस्सा बेच करके 2 लाख रुपए में एक सफारी कार खरीद ली है, और जो एक भाई इसका है जो आमिर, उसने गुरसहायगंज में एक मकान खरीद लिया है, और ये बड़े चालाकी से काम कर रहे थे। कई शहरों में घूम करके इस बीच में छोटा छोटा पार्ट ले जा करके और खपाए। इनको भनक लग गई थी जब पहली गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से बहुत सावधानी बरत रहे थे और छोटी छोटी मात्रा में कई जगहों में घूम करके इन्होंने उसको खपाया है और रजिस्ट्री कराई है। तो सर, गैंग के कुछ अभी और भी सदस्य बाकी हैं गिरफ्तारी के? अभी जो लापरवाह सूचना मिली हुई है उस पर हम लोग और कानपुर पुलिस दोनों मिल करके काम कर रहे हैं, आगे और भी कार्रवाई।